तो गाइस आ चुका है आपका सस्ता ब्लॉगर एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो लेके। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है बिकॉज आज हम जाने वाले हैं छोटी सी ट्रिप पे। सुबह सुबह प्लान बनाया तो आपको दिखाते हैं, हम जा रहे हैं सोलन। अगर जो आपको नहीं पता सोलन कहाँ पे है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन दे दूंगा गूगल मैप्स की, जाके चेकआउट कर लेना। बहुत ही अच्छी जगह, आपको दिखाते हैं सारा, एक्सप्लोर करते हैं वहाँ के मार्केट वगैरह सब आपको दिखाएंगे। तो फटाफट चलते हैं। और हाँ, इन कपड़ों में तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे बिकॉज वहाँ थोड़ी बहुत ठंड होगी, तो फटाफट कपड़े चेंज करते हैं। तो गाइस तैयार तो हो चुके हैं, जिसके आप देख सकते हो ये मोटी वाली जैकेट पहन लिया। तो इस मोटी जैकेट का मतलब यही समझ लो कि इंडियन पेरेंट्स ना चाहे यार राजस्थान भी जा रहे हो फिर भी कुफरी वाली तैयारी जरूर करके चलते हैं, तो यही मतलब समझ लो। और हाँ, मैंने एक अपना बैग भी तैयार कर लिया है। मैं ज़्यादातर जब भी मैंने ब्लॉगिंग करनी होती है ये वाला बैग साथ में लेके जाता हूँ, छोटा सा बैग कैरी करा रहता है आराम से। इसमें सारा मेरा गिम्बल का सामान आता है, सारा ब्लॉगिंग का सामान आ जाता है। तो बस अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा रहेगा सीन। I got broads in Atlanta, just to go be in the family, credit cards and the scammers, getting the looks in the family, legacy. तो गाइस उस टाइम पर विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए मैं आपको वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ कि मैं इस टाइम बोल रहा था हम धर्मपुर पहुंच चुके हैं और बस अब एंजॉय करो व्लॉग को। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं सोलन, बट एक प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि आज है संडे, मुझे बताता हूँ। हाँ, आज है संडे इसलिए मार्केट पूरी बंद है। अगर थोड़ी बहुत ही खुली होगी तो आपको दिखाऊंगा, नहीं आपको सारा मंदिर का तो अभी ब्लॉग दिखाते हैं। ये मंदिर है, हम हर बार इस मंदिर में आते हैं जब भी सोलन आते हैं, तो फटाफट से दिखाते हैं आपको कैसा मंदिर है। तो गाइज ऐसा कुछ मंदिर है, मैं आपको दिखा चुका हूँ सिनेमैटिक्स में। और यहाँ इसके सामने व्यू देखो मैन, और इतनी ठंड है ना कसम से, नीचे पानी बहुत ठंडा है जब हाथ धोए ना, ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा है। बस कहीं पे भी टच कर रहे हैं लेकिन कुछ फील भी नहीं हो रहा कि टच कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। सुनो रखा है, मतलब मेरे को टेम्परेचर तो इतना नहीं लगता कि कम होएगा, बट ठंड बहुत ज़्यादा।
गाइस पूरी मार्केट ही देखो, ऐसे देखो बंद पड़ी है, बस सब्जी की दुकानें खुली हैं देखो, बाकी पूरी की पूरी मार्केट लिटरली बंद है यार। इतनी बढ़िया मार्केट थी ना ये, बट संडे कारण सारा मजा किरकिरा हो गया। चलो कोई ना, आपको सारे सिनेमैटिक्स अच्छे अच्छे दूंगा मैं, पहाड़ों के दूंगा वो ज़्यादा अच्छी। सब्जियाँ ही सब्जियाँ, फ्रूट्स ही फ्रूट्स, नहीं ये सारी मार्केट खुली होती थी इतना मज़ा आता था ना यहाँ आके। तो बस किस्मत की बात है, अपने ही किस्मत। चलो कोई ना, चलते हैं आगे और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने बस स्टैंड आ चुका है। बस स्टैंड तो वैसे खुला पड़ा है, थोड़ी बहुत ही चल रही है बसेस। देखो यहाँ पर भी सारी बंद है, यहाँ तो आपको दिखाई चुका हूँ कि पीछे मार्केट सारी बंद है, बस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खुली है। तो गाइस सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, बट जैसे कि आपने देखा सोलन की पूरी मार्केट बंद थी, तो बड़े मुश्किल से ही हमने ढूंढ ढूंढा के गूगल के ऐप से एक रेस्टोरेंट ढूंढा था जिसका नाम था छावनी रेस्टोरेंट। जैसे मिलिट्री एरिया होता ना उसको छावनी कहते हैं, तो मुझे नहीं पता था उस टाइम कि छावनी भी कोई वर्ड होता है, तो मैंने गलती से उसको मिस प्रोनाउंस करके चवन्नी कह दिया पूरे ब्लॉग में, तो उसके लिए मैं रियली सॉरी कहता हूँ। उसका नाम था छावनी रेस्टोरेंट, तो बाकी जाके आप ब्लॉग में खराब सॉरी। जब खा के तो दिखा नहीं, बट प्रेजेंटेशन का लिटरली फैन हो, कितना प्यारा प्रेजेंटेशन, ट्रक वगैरह के ऊपर करके दिया आपको, दिखाता देखो कितनी अच्छी तरह से करके दिया। अभी आपको और भी दिखाते हैं कैसे कैसे प्रेजेंटेशन ये करके देंगे। तो गाइस देखो अब चाँप आई है, देखो कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल ट्रेन वगैरह बना रखा है। देखो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करके दी है इन्होंने चाँप की, इसकी सैंडविच की तो अच्छी थी। बस ये रेस्टोरेंट है पूरा मिलिट्री बेस्ड के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे मेरे पूरे ग्राफिटी वगैरह बनी हुई है मिलिट्री वाली। तो यार इसकी प्रेजेंटेशन तो मुझे बहुत अच्छी लगी, फूड भी बहुत अच्छी थी और टेस्ट भी बहुत तगड़ा था। पहले कहते स्पॉन्सर नहीं है, मैं खुद आया हूँ, मैंने खुद वीडियो बनाई है। और हाँ चवन्नी रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट का नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन मिल जाएगी। और आपके साथ अभी पिज्जा भी ऑर्डर करा, उसका भी आपको दिखाते हैं कैसे। गाइज दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड नहीं था इस रेस्टोरेंट के द्वारा। गाइज देखो मेरी मम्मी ने मेरा क्या बना दिया, पेंगुइन बना दिया मेरे को बिल्कुल। तो बस अब जाने की तैयारी है, बहुत ठंडा है, 9 डिग्री सेल्सियस 9 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ठंडा है सोलन में, इसीलिए मैं पेंगुइन बना पड़ा हूँ। चलो तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो इस टाइम गाड़ी में वापस आ चुके हैं, बस पैक कर रहे हैं गाड़ी और बस चलते हैं, और कंबल वगैरह ले लिया बिकॉज 9 डिग्री सेल्सियस है इस टाइम टेम्परेचर। और बाहर का थोड़ा सीन दिखाता हूँ आपको, और हाँ आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, 9% बैटरी है। अगर जो थोड़ा सा व्लॉग अब हुआ तो फिर वो होएगा मेरी मम्मा के फ़ोन से, नहीं तो नहीं होएगा। तो बस आपको आगे जाके अब व्लॉग दिखाते हैं और घर जाके व्लॉग को एंड करेंगे। अभी व्यू देखने के लिए उतरे, फटाफट से देखो कितना प्यारा व्यू है, और सामने लाइट है तो देखो कितनी अच्छी है,
और ये लाइन देखो यार ऑरेंज कलर की अगर आपको दिख रही होगी ये वाली कितनी प्यारी लग रही है। तो फटाफट आप चलते हैं गाड़ी में वापस। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन कॉल पर जरूर कर दे, उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहां पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे, आई विल रिप्लाई यू। और हाँ बस यही था आज के वीडियो के लिए, चलो टिल देन बाय। तो पांडा रोल दिया उठ, रोल ना, अरे कर दे यार, अब जा यार मुझे तेरे से बात ही नहीं करूंगी। I got broads in the lineup, chasing the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Like